तो गाइस यार जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पे अपन लोग पटाखे ना फोड़े गाइस यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस यार आप सो आई होप आप सब भी पटाखे फोड़ते होंगे और जो दिवाली के टाइम पे मार्केट में जो पटाखे मिलते हैं गाइस यार वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, यानी कि उनसे अपन जलने का भी खतरा रहता है अपने को और साथ ही साथ उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी क्रिएट होता है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हमने बनाया है एक होम मेड पटाखा जिसे आप लोग भी इजीली तरीके से अपने घर पे बिल्कुल सिंपल इसे बना सकते हैं। तो आप सबके घर में ये वाली बोतलें इजी से मिल जाएंगी, तो इसी बोतल से हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो गाइस यार इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये वाला बोतल ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे जो है ढक्कन को ओपन कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से। अभी बोतल को रखना है हमें साइड में। तो अभी जो है हमें गाइस यार यहाँ पर एक छोटा सा होल करना है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल पतला सा होल करना है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कितना आपको होल करना है। तो यहाँ पर मैं इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर छोटा सा एक छेद कर दे रहा हूँ, तो इसी के साइज का यहाँ पे एक छोटा सा। तो अभी आप देख सकते हैं ये इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर होल हो चुका है इतना सा छोटा सा। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, आप लोग देख सकते हैं। तो ये गाइस यार क्या चीज़ है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है साइकिल का वाल्व, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर रखा है, थोड़ा सा और बड़ा था ये बिल्कुल थोड़ा सा, उसको मैंने कट कर लिया है। तो अभी हमें इसी की ज़रूरत है। तो आपको इस तरफ वाले को आपको यहाँ पर इस बोतल के अंदर जो है डाल देना है। तो ये होल थोड़ा सा पतला है तो मैं इसे थोड़ा सा और मोटा कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस होल को थोड़ा सा और मोटा कर ले रहा हूँ, तो पतला है ये। और अभी मैं इसको इसके अंदर जो है लगा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको जो है लगा रखा। तो अभी इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा फेविक्विक जो है डाल दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये अभी से रख देते हैं सूखने के लिए। तो गाइस अभी ले लेना है हमको ये वाले पटाखे, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़ कर लिए हैं, तो ये तीन यहाँ पर बचा हुआ है। तो आपको इसको जो है कट करके निकाल लेना है एक। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें से भी आपको एक जो है कट करके निकाल लेना है। पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटा सा एक निकाल लिया पटाखा। अभी हम इसको ढक्कन को लेंगे और गाइस यार इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो गाइस यार अभी हमारा पटाखा जो है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें बंद कर देना है। तो ये रहा हमारा पटाखा। तो गाइस यार अभी हमारा जो पटाखा है वो रेडी हो चुका है, बट अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है क्योंकि अभी ये जो है बहुत ही स्लो साउंड करेगा। तो गाइस यार इसके अंदर मैं डालूंगा कैल्शियम कार्बाइड जिससे इसका साउंड काफ़ी तेज़ी से आए। और आपके पास अगर कैल्शियम कार्बाइड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कैल्शियम कार्बाइड नहीं है तो आप इसके अंदर कोई सा भी स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे या फिर हेयर स्प्रे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि जलता हो काफ़ी तेज़ी से। और या फिर अगर आपके पास स्प्रे भी नहीं है तो आप नेल पॉलिश का भी, नेल पॉलिश जो होता है नाखून छुड़ाने वाला, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे से वर्क ये करेगा। तो चलिए देखते हैं इसे चलाते हैं बाहर। तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूँ बाहर और हमारे पास ये दो है, मैंने दो बना रखे हैं इसको। तो अभी चलिए इसको हम पहले ये वाला ट्राई करते हैं। इसके अंदर भी हमें डालना पड़ेगा छोटा सा कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा, तो उसको भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इतना सा कैल्शियम कार्बाइड है, तो मैं इसके अंदर इतना छोटा सा ही डालूंगा। और इसको डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा जिससे रिएक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ होने लगेगी और इसमें जो है एसिटिलीन गैस बनने लगेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो अभी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर अभी पानी ऐड करते हैं, पहले अपना जो है कैमरा सेट कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिएक्शन इसमें चालू हो जाती है और गैस जो है रिलीज़ होने लगती है। तो गाइस यार ये आप देख सकते हैं ये वाला ब्लास्ट नहीं हुआ लेकिन ये पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, मतलब काला हो चुका है, पूरा धुआं हो गया इसके अंदर। ये अभी आपको खोल के भी दिखाता हूँ, इसके पास दिखाओ, पास 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 करो, ये देख सकते हैं एकदम ब्लैक ब्लैक इसमें। तो गाइस यार मुझे लगता है इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम थी इसलिए जो है ब्लास्ट नहीं हो रहा है। और आप उसी में ट्राई कीजिए बड़े वाले में। तो गाइस यार आप देख सकते हैं पहले अटेम्प्ट में तो अच्छे से वर्क नहीं किया लेकिन दूसरी बार आप देख सकते हैं इसका हाल क्या हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड था इसका, काफ़ी तेज साउंड था इसका। तो गाइस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।